भगवान शिव ने जहर धारण कर सृष्टि को बचाया था, प्रदेश सरकार भी उनके दिखाए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही है और जो जहर बीजेपी फैला रही है उसे काफी हद तक धारण कर विकास कार्यों को तेज कर दिया गया है। ये बात सोलन पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास की गति ना रुके इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों में कोई कमी ना रह जाए इसलिए विकास की गति को दुगना कर दिया गया है। आज भी उनके द्वारा कई उद्घाटन और शिलान्यास किए गए। प्रकार से महादेव ने जहर धारण करके अपने अंदर कर लिया था, उसी प्रकार से लगभग हमने भी ये तय कर लिया है कि हमारी टीम भी इकट्ठी है, हमारा विकास का कार्य भी सुचारू रूप से चले और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे जिस प्रकार से हमारे दौरे होते हैं सभी मंत्री लोग किसी न किसी अपने क्षेत्र में होंगे या कहीं और होंगे, जहाँ जहाँ भी अपने कार्य पे अपने अपने प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, अपने लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं, तो हम विकास के रास्ते में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देंगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। इससे तो मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में इस प्रकार की घटनाएं कभी होनी नहीं चाहिए। मेरा अपना व्यक्तिगत व्यू भी है, इट्स हाईली अनडेमोक्रेटिक। और चुनी हुई सरकार में जब आपका इतना स्पष्ट बहुमत हो कि आप अगर इंडिपेंडेंट को मिलाओ तो हम 43 और वो 25 हों, तब भी प्रयास किया जा रहा हो, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सके उन लोगों की क्या भावना है कि किस प्रकार से लोकतंत्र बचेगा अगर हम इतने स्पष्ट बहुमत के बाद भी दूसरे लोगों को गिराना चाहते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकें क्या वो किस प्रकार का सॉर्ट ऑफ जनता के लिए सोचेंगे, या इस महान संस्थान जो हमारी लोकतंत्र की संस्था बची है, बड़े मैं समझता हूँ हमें गौरव से कहना चाहिए कि भारत जैसे देश में लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, ये कोई अच्छा काम नहीं था और ना तो इसकी तो जितनी निंदा की जाए थोड़ी। 10 तारीख को हमारे ऑनरेबल CM साहब हमारे सोलन क्षेत्र का दौरा करेंगे, उसमें पहला फंक्शन हमारा सोलन में ही होगा और दूसरा 2 बजे के बाद हम अर्की क्षेत्र में भी जाएंगे। ये मैं चाहता हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी समस्याएं भी बताएं और जो कुछ हम और अपनी सरकार की ओर से लोगों को दे सकते हैं वो भी देंगे। वही धनीराम शांडिल ने बताया कि कल यानी 10 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री सोलन में होंगे। वही CM सुक्खू विभिन्न करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पंजाब केसरी TV के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।